अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल विद शफाना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह बना के शेयर करती रहती हूँ, डिज़ाइंस वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि क्या ट्रेंडिंग में है, क्या चल रहा है। तो आज की हमारी वीडियो कबर्ड की डिज़ाइंस पे है। अगर आप बेडरूम में अपने लिए कबर्ड एक वार्डरोब बनवाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बड़े ही खूबसूरत से बड़े ही प्यारे से आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप किस तरह की कबर्ड बनवा सकते हैं। आप डोर्स वाली भी बनवा सकते हैं, जैसे ये है इस तरह की, और उसके अलावा आप स्लाइडिंग वार्डरोब भी बनवा सकते हैं। वो भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत खूबसूरत लगती हैं वो भी। उसके ऊपर आप लेमिनेटेड शीट लगवाएं तो बड़ी खूबसूरत लुक आती है, ऊपर लाइट्स वगैरह आप लगवाएं। उसके अलावा आप अपनी वार्डरोब के साथ आप ये देखें साथ टीवी यूनिट भी बनवा सकते हैं, चाहे तो उसके सेंटर में या साइड पे, इस तरह साइड पे स्पेस बनवा के आप उसके पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी रख सकते हैं। ये देखिए सेंटर में आप पूरा मिरर लगवाएं, जो कि आपको फिर सेपरेट एक स्टैंडिंग मिरर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप ये देखें साइड पे स्पेस बनवा के तो आप उस पर डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी रख सकते हैं, और आप साइड पे एक स्पेस बनवा के चाहे तो वार्डरोब के साथ ही उसी थीम को फॉलो करते हुए आप अपना ड्रेसिंग टेबल भी बनवा सकते हैं। आप वहाँ पे अपनी स्टडी टेबल भी बनवा सकते हैं, या आप वहाँ पे टेबल बनवा लें जहाँ पे आप कंप्यूटर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ सेंटर में देखिए स्पेस बनाई हुई जहाँ पे आप डेकोरेशन पीसेज या कोई मटेरियल कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपके रूम में कितनी स्पेस है और आपकी कितनी नीड है, आपको ज़्यादा बड़ी वार्डरोब चाहिए, रूम में स्पेस भी है तो आप ज़रूर बनवाएं, क्योंकि आप उसमें अपनी हर एक चीज़ रख सकते हैं। आप उसमें अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह, और उसके अलावा आप अपनी रज़ाइयाँ, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, कुशंस, पिलोज, इस तरह की हर एक चीज़ रख सकते हैं। उसके अलावा कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर कपल्स का बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ दोनों के कपड़े होंगे तो उसके लिए भी आपको हैंग भी करने होंगे, उसके लिए रखने भी होंगे, तो उसके भी आप वहीं पे आप स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके रूम में स्पेस भी कम है और आपकी रिक्वायरमेंट भी कम है तो आप छोटी वार्डरोब भी बनवा सकते हैं। तो आपकी नीड पे भी डिपेंड करता है और जितनी स्पेस अवेलेबल है उस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।